हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर शर्मा और दीक्षा अकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का फिर से स्वागत है। आज जो हम आपको कराने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री का एक टॉपिक, बेसिक टॉपिक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स को किस तरीके से मेजर किया जाता है ये मैं आज आपको बताता हूँ। बेसिकली तीन तरीके होते हैं एंगल्स को मेजर करने के लिए। जो सबसे पहला होता है वो होता है सेक्साडेसिमल, ठीक है, फिर दूसरा जो होता है वो होता है सेंटेसिमल, और तीसरा होता है वो होता है सर्कुलर। ये बेसिक तीन तरीके होते हैं जिनसे हम एंगल्स को मेजर करते हैं। इन तीनों तरीकों में क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या अंतर होता है, वो चीजें मैं आपको बता देता हूं। कैसे होता है देखो, जो सेक्साडेसिमल होता है इसमें एक राइट एंगल को 90 बराबर टुकड़ों में बांटा जाता है, ठीक है, वन राइट एंगल इक्वल टू 90 इक्वल पार्ट, ठीक है, और हर जो पार्ट होता है उसको हम डिग्री बोलते हैं, और जो वन डिग्री होती है उसको वापस से हम डिवाइड करते हैं मिनट्स में, ठीक है, उसको हम 60 मिनट में डिवाइड करते हैं, इसको हम मिनट बोलते हैं, मिनट, यानी वन डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और फिर वापस से मिनट को फिर डिवाइड करते हैं वन मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, यानी यहां पे हम इसको सेकेंड में डिवाइड करते हैं। तो आप समझ गए होंगे सेक्साडेसिमल जो होता है वो पूरा जो सर्कल होता है उसमें एक राइट एंगल जो होता है, जो 90 डिग्री हम लेते हैं, राइट एंगल आप समझते होंगे जो परपेंडिकुलर बनाता है, इस परपेंडिकुलर को 90 डिग्री में डिवाइड करते हैं और फिर हर डिग्री को, हर एक डिग्री को वापस से एक मिनट में कन्वर्ट करते हैं। हर एक डिग्री में 60 मिनट होती हैं, तो एक डिग्री को 60 मिनट में कन्वर्ट किया, फिर वापस से हम एक मिनट ले लेंगे, एक मिनट को वापस से सेकंड में कन्वर्ट किया, फिर उसको 60 से डिवाइड करते हैं या उसके 60 बराबर पार्ट हम ले लेते हैं जिसे हम सेकंड बोलते हैं। ये हमारा है सेक्साडेसिमल, ठीक है। फिर इसी तरीके से हमारा सेंटेसिमल है। सेंटेसिमल में क्या होता है, हम इसमें भी राइट एंगल को, वन जो राइट एंगल होता है इसको भी हम डिवाइड करते हैं 100 इक्वल पार्ट्स में। यहां पे हम इसको डिग्री बोल रहे थे, यानी वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होता है, और यहां पे जो है वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड होता है, यानी वही डिवाइड किया है। तरीका क्या था, इसमें सिर्फ 90 हिस्से बनाए थे, यहां पे हमने 100 हिस्से बना लिए एक राइट एंगल के, यानी जो ये एक राइट एंगल होता है इसके हमने 100 टुकड़े बना लिए, ठीक है। अब हर ग्रेड को, ये ऊपर जी लिखा हुआ है इसका मतलब होता है ग्रेड, फिर वापस से जो हर ग्रेड होता है वन ग्रेड को फिर वापस से हम 100 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं जिसे हम मिनट बोलते हैं, समझ गए। यहां पे फिर वापस से वन ग्रेड को 100 मिनट में डिवाइड कर लेते हैं, फिर वापस से वन मिनट को 100 सेकंड में डिवाइड कर देते हैं, समझ गए। तो ये दो सिस्टम हो गए बिल्कुल एक जैसे हैं, सिर्फ डिवाइड करने का तरीका अलग अलग है। पहले वाले में 90 हिस्से बनाए थे और इसमें 100 हिस्से बनाए थे, मेथड सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। फिर इसके बाद आता है हमारा सर्कुलर। सर्कुलर में क्या होता है, देखो सर्कुलर में हम पूरा एक सर्कल बना लेते हैं पहले समझने के लिए। ये सर्कल बना दिया, फिर ये इसका एक सेंटर होता है, और ये मान लो रेडियस है आर, और ये जो है ये लेंथ है एल, आर्क वाली जो ये स्लेंट होगी ना, जो झुकी हुई है कर्व टाइप की, ये वाली लेंथ है एल। अब जो ये एंगल बनेगा, ये जो थीटा है ये कितना होगा, ये थीटा जो होगा वो एल अपॉन आर के होगा, समझ गए। इसमें इस तरीके से एंगल को मेजर किया जाता है, जो थीटा जो है वो किसके होगा, इस लेंथ के, जो ये टेढ़ी टेढ़ी लेंथ है ना एल, एल वाली जो लेंथ है इस लेंथ को हम ऊपर रखेंगे और रेडियस को नीचे रखेंगे और डिवाइड कर देंगे, इक्वल आएगा। अब सपोज करो अगर एल और आर इक्वल है, क्या है इक्वल, और ये दोनों जितनी भी यहां 5 मानो 10 मानो 18 मानो, तो क्या होगा एल और आर कट जाएंगे, तब थीटा जो है वो कितना आ जाएगा 1 रेडियन। 1 रेडियन में ये छोटा सा सी लिखते हैं हम ऊपर, 1 रेडियन में हम क्या करते हैं छोटा सा एक हल्का सा सी लिख देते हैं यहां पे, तो ये हमारा 1 रेडियन हो जाता है। इसको हम इस तरीके से मेजर करते हैं। अब यहां पे जो थीटा की वैल्यू है वो रेडियन में आती है, और एक थीटा जो है वो 1 रेडियन के इक्वल होता है। फिर आगे कम ज्यादा आ सकता है, और रेडियन, सेक्साडेसिमल, सेंटेसिमल और सर्कुलर, इन तीनों में एक तो डिग्री आ गई, यहां पे डिग्री आती है, यहां पे ग्रेड, और यहां पे क्या हो गया ये रेडियन, ये 3 यूनिट्स हो गई, ठीक है।
डिग्री, ग्रेड और रेडियंस। यहाँ पे डिग्री में आ रहा था, यहाँ पे ग्रेड्स में आ रहा है और यहाँ पे रेडियन में आएगा। तो अब इन तीनों में भी आपस में संबंध होगा, रिलेशन होगा। क्यों? अगर मान लो हमें रेडियन में दिया हुआ है, हमें ग्रेड में करके सोल्व करना है, या फिर हमें ग्रेड में दिया, हमें डिग्री में करके सोल्व करना है, तो उसका क्या मेथड, उसमें क्या होगा? देखो 180 डिग्री जो होती है, 180 डिग्री इक्वल होगी हमारी 100 ग्रेड के और पाई रेडियन के, समझ गए? ये रिलेशन होगा तीनों में, 180 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड इक्वल टू पाई रेडियन। अब हमें जैसे मान लो रेडियन है, ये रेडियन है, ये ग्रेड है और ये डिग्री है, ठीक है। अब हमें मान लो रेडियन दिया हुआ है और डिग्री में निकालना है, तो इसको इधर ले जाएंगे, 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे 22 अपॉन 7 लेनी है, ठीक है। यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 22 अपॉन 7, ग्रेड में निकालना है तो पाई को इधर लाके इससे डिवाइड कर देंगे। तो ये तो था हमारा बेसिक। मैं आपको दो छोटे छोटे क्वेश्चन कराता हूं, तो ताकि आपका ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, दो एग्जांपल्स हैं। ये पहला एग्जांपल है, मैं ये आपको कराता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल में क्या बोला है देखो, फाइंड द डिग्री द एंगल थ्रू विच पेंडुलम स्विंग। मान लो ये यहां पे पेंडुलम है ये, और ये ऐसे स्विंग कर रहा है यहां से यहां तक, ठीक है, एक बार इधर जा रहा है एक बार इधर आ रहा है। पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 50 सेंटीमीटर, ये कितना है 50 सेंटीमीटर, एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क लेंथ 10 सेंटीमीटर, और आर्क जो है ये वाली, ये कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो आपको ये हो गया हमारा थीटा। अब हमें क्या बताना है, फाइंड द डिग्री, डिग्री बतानी है। लेकिन यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था जो थीटा होता है वो क्या होता है, एल अपॉन आर, तो L हो गया 10 और ये हो गया R 50, ये जीरो से काट देंगे, 1/5 रेडियन आ जाएगा, यानी थीटा जो है 1/5 रेडियन में आएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या बताना था, हमें तो डिग्री में बताना है, तो रेडियन से डिग्री में मैंने आपको बताया था, जब हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 180 अपॉन पाई से, और उल्टा हो जाएगा, अगर डिग्री से रेडियन में करोगे तो मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से, ठीक है। ये दो पॉइंट्स हैं, ये याद रखो, कभी दिक्कत नहीं होगी। तो रेडियन जो है वो है हमारा 1/5, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/5 को 180 बाई पाई से, पाई की वैल्यू हम क्या लेंगे 22 अपॉन 7, तो मैं यहाँ 22 लिख देता हूँ और ऊपर लिख देता हूँ 7। अब मैं इसको काट देता हूँ, 2 से काटा 11 आ गया, यहाँ काटा तो 90 आ गया, फिर 5 से काटते हैं, 5 बन जा 5 और कितना बचा 4, 18 आ गया, ठीक है। तो ऊपर 18 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 11 हो गया, 18 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 126 आ गया और नीचे आ गया 11, ठीक है। अब इतना आ गया, देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, अब हम इसको 11 से पहले डिवाइड करते हैं, तो देखो 11 वन जा 11, बचा 1 और 6, फिर 11 वन जा 11, कितने बच गए 5, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये जो 11 है ना, ये तो हो गई डिग्री, 11 डिग्री हो गए, अब बचे 5, इस 5 के हम वापस से, मैंने आपको बताया था डिग्री से किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में, तो हम इस 5 से कैसे करते हैं, अब देखो एक 1 डिग्री में कितने होते हैं 60 मिनट, तो इसको हम क्या करते हैं 60 × 5/11, ये हो गया 300, ठीक है। तो इतने डिग्री में 60 मिनट, और डिवाइड हमें वापस 11 से ही करना है, तो 11 वन जा 11, 11 टू जा 22, ठीक है, कितना बचा 80, 11 सेवन जा 77, कितना बचा 3, ठीक है। अब ये 3 है ना, इसको फिर करेंगे, पहले 27 क्या हो गई हमारी, मिनट हो गई, इतना समझ में आया। अब इस 3 को वापस से हम एक मिनट में, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हम वापस से 3 को डिवाइड कर लेते हैं, वापस से 3 के 60 बना लेते हैं, फिर 11 से डिवाइड करना है, तो 3 6 जा
18, 180 अपॉन 11, 11 से काटेंगे, 11 वन जा 11, फिर कितने बचे, बचे 7, 7, 11 6 जा 66। तो इस तरीके से एक पॉइंट तक और निकाल सकते हो, 16 मिनट पॉइंट में निकालना है तो आगे तक और निकाल सकते हो। तो ये हो गया हमारा जो थर्ड थीटा जो हमारा आया था 1/5 रेडियन, और 1/5 रेडियन से हमने इसको कन्वर्ट करके डिग्री में कर लिया, यानी 11 degree 27 minute and 16 seconds ये आ गया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था और ये सिंपल सा फंडा था इसका। आगे आप सारी तरह के क्वेश्चंस कर सकते हो। एक क्वेश्चन और मैं आपको करा देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ये बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक एंड द हावर हैंड व्हेन द टाइम इज 7:20। जब 7:20 हुए हैं तो बोल रहा है हावर वाला जो क्लॉक होता है, ये घड़ी हो गई, और 7 यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरीके से हुआ। तो 7:20 हुए तो ये हो गया 7 और 20 मिनट हो गए, 10 और 10, 20 ये हो गई हमारी 20। इस तरीके से घड़ी है। तो ये बोल रहा है इन दोनों के जो बीच का एंगल है, ठीक है, ये वाला हमें फाइंड करना है। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा है, कैसे करेंगे। पहले 7 बजने में देखो, ये 12 से स्टार्ट होता है और ये 7 तक आ गया ऐसे घूम के, ठीक है, यहाँ पे बजे 7, तो 7:20 यहाँ पे 7:20 हुए। अब देखो इसको हमें कन्वर्ट करना है एंगल्स में, तो कैसे करेंगे। टोटल जो राउंड होता है वन राउंड वो 360 डिग्री का होता है, होता है, और 360 राउंड में कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे 12 आवर्स होते हैं, ठीक है। तो पहले हम 1 आवर का निकाल लेते हैं, 1 आवर का कितना आ जाएगा 360 upon 12, यानी 30 डिग्री, हर घंटे में 30 डिग्री एंगल बनता है। तो हर घंटे में जब 30 डिग्री बनता है तो हमें निकालना है 7 घंटे और 20 मिनट का, तो 7 आवर और 20 मिनट के वापस से हम आवर कन्वर्ट कर देंगे, तो 20 upon 60, ये हो गया 1/3, तो 7 plus 1/3 यानी 22/3, इतने आवर का हमें निकालना है, ठीक है। 7 घंटे और 20 मिनट का था, 20 मिनट के मैंने घंटे बनाए, फिर वापस सारे घंटों को जोड़ दिया तो 22/3 आवर आ गए। अगर एक घंटे में 30 डिग्री है तो इतने में कितना होगा, 22/3 × 30 डिग्री, 3 से काटेंगे 10 और ये आ गया हमारा 220 डिग्री। तो ये तो आ गया हमारा 7:20 पे हावर वाला, हावर वाला घंटा यानी ये। अब हमें जिस तरीके से हमने घंटे का निकाला है इसी तरह से हम मिनट का निकालेंगे। तो मिनट में 20 मिनट हुए यहाँ तक, ठीक है, और 20 मिनट का कैसे निकालेंगे, तो देखो वापस से पूरा मिनट्स में अगर डिवाइड करते हैं तो टोटल 360 डिग्री के मिनट्स, और हमें कितने मिनट का, ये 1 मिनट का आ गया, हमें 20 मिनट का निकालना है तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, 360 पूरा हो गया, और 1 मिनट का निकालेंगे तो 60 मिनट होते हैं 360 डिग्री में, तो 60 से डिवाइड कर दिया, अब हमें 20 मिनट का निकालना है तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 120 डिग्री, ठीक है। अब देखो हमारे पास दो हो गए, एक ये और एक ये, ठीक है। अब एक तो यहाँ से लेकर यहाँ से और ये पूरा निकाल दिया, ये ऐसे ये वाला पूरा निकाल दिया, फिर यहाँ से लेकर और यहाँ तक का ये निकाल दिया। अब देखो इस पूरे में से बड़ा वाला जो है ये वाला, इसको मैं ए मान लेता हूँ और इसको मैं मान लेता हूँ बी। ए में से अगर मैं बी माइनस कर दूंगा तो हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट, और यही हमें चाहिए। तो ए कितना आया था हमारा 220 डिग्री और बी कितना है 120 डिग्री, माइनस कर देंगे तो 220 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा 100 डिग्री, 0 में से 0, 2 में से 2, और ये तो 100 डिग्री आ गया हमारा इनके बीच का एंगल। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छे से क्लियर करवा दिया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस साइड में रेड बटन है उसको सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका सबका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।